સૌ પ્રથમ વાત કરીએ મુંબઈમાં પડતા વરસાદની. મુંબઈમાં અત્યારે અનેક વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે, ત્યારે અંધેરી, પાલઘર, કલ્યાણ તેમજ ધારાવી વિસ્તારમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ઉપરાંત મુંબઈના કાંદીવલી, સાંતાક્રુઝ, બોરીવલી અને નાલાસોપારામાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે. આ ઉપરાંત વસઈ તેમજ સાયન સહિતના વિસ્તારમાં પણ વરસાદ ખાબક્યો છે. વરસાદને કારણે અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. માર્ગો ઉપર પાણી ભરાઈ જતા વાહન વ્યવહાર પણ પ્રભાવિત થઈ રહ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે. જે પ્રમાણે આ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે, મુંબઈથી સમાચાર આ દ્રશ્યો છે તે જ સ્પષ્ટ કરી શકે છે કે મુંબઈમાં અત્યારે અનેક વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને ખાસ કરીને આ ભારે વરસાદને કારણે લોકોને વાહન વ્યવહારમાં પણ ખૂબ જ મોટા પાયે તકલીફ થઈ રહી છે. मुंबई में कल रात से ही तेज बरसात हो रही है और इस बरसात के चलते हर जगह पानी जम गया है. जी हाँ, हम इस वक्त अंधेरी के मरोल इलाके में और सबसे पहले तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी किस तरीके से जो है इस रास्ते पर पूरी तरीके से पानी जम गया है और उस वजह से दिक्कत जो है वो यहाँ के रिक्शा चालकों को हो रही है, जो बाइक चालक हैं उनको हो रही है और यहाँ पर कॉरपोरेट ऑफिसेस है तो जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनको आप देख सकते हैं कि वो चल कर जा रहे हैं इस पानी में. आइए कुछ लोगों से बात करके जानते हैं उनको क्या तकलीफ हो रही है. अच्छा अच्छा, क्या बताना चाहेंगे? पानी तो भरा हुआ, डॉक्टर बीएमसी ठीक सही नहीं कर रहे, क्या करेगा, बारिश का टाइम में ट्राई कर रहे हैं और क्या कर सकते, पूरा पैसा खा रहे पूरा पूरा आदमी लोग, बस जाओ. आपको आपको ग्राहक मिलते हैं, कस्टमर मिलते हैं रिक्शा के लिए, क्योंकि पानी की वजह से रिक्शा नहीं चल पाती और फिर ऑफिस जाने वाले लोगों को भी दिक्कत होती है. सबको दिक्कत है, सबको दिक्कत है बाबा, सबको दिक्कत है, सब लोग का प्रॉब्लम है, क्या करेगा बारिश की वजह से. देखो पूरा बारिश का टाइम है, गटर पूरा बारिश हर जगह में बंद है. चलो मैं जाऊँ. तो इस तरीके से जो है रिक्शा चालक हो या फिर ऑफिस जाने वाले लोग हो, सभी को इस मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. कैमरा पर्सन रमेश के साथ पूजा नवा थे, इंडिया न्यूज़ मुंबई.